और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि जायकोर और वेजिटा के बीच में अभी भी फाइट चल रही थी, जहां पर हम देखते हैं कि जायकोर वेजिटा पर अभी भी भारी पड़ रहा था। और एक तरफ हमें सुप्रीम काई का प्लेनेट दिखाया गया था, जहां पर सुप्रीम काई और ओल्ड काई दोनों ही मिलकर कोई ऐसी चीज दोबारा से बना रहे थे जिसकी वजह से जायकोर को हमेशा के लिए रोका जा सके। और एक तरफ ड्रैगन बॉल को बुलमा चेक करती है, लेकिन ड्रैगन बॉल पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुके थे। बहुत लोगों को लगता है कि डंडे के मरने के बाद ड्रैगन बॉल को इनएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि डंडे अर्थ का गार्डियन है। लेकिन पिकलो के मरने के बाद ड्रैगन बॉल इनएक्टिव क्यों हो गए हैं, जानेंगे इस पार्ट में। तो हम देखते हैं कि गोकू पिकलो को लेकर कामी के लुकआउट टावर पर आया होता है, और गोकू वहां पर पहुंचते ही डंडे से कहता है, डंडे क्या तुमने देखा, नीचे अर्थ पर बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। डंडे कहता है, हाँ गोकू, मैंने सब कुछ देखा और उस जायकोर की वजह से ही पिकलो आज हमारे बीच नहीं रहे। और हम देखते हैं कि डंडे पिकलो के पास आकर रो रहा होता है, और फिर गोकू डंडे से कहता है, डंडे तुम ऐसी बातें मत करो, क्योंकि मैं पिकलो को इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि हम पिकलो को वापस जिंदा कर सके। मुझे पता है कि मेरी इस बात को सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे बताओ कि पिकलो के ना रहने के बाद क्या सच में ड्रैगन बॉल इनएक्टिव हो चुके हैं। डंडे गोकू से कहता है, हाँ गोकू, सातों ड्रैगन बॉल्स इनएक्टिव हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अर्थ पर रहने वाले जितने भी मासूमों की जान गई है उन्हें दोबारा जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, और ना ही कभी हम दोबारा शेनरॉन को बुला पाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी विश पूरी नहीं की जा सकती। डंडे के इतना कहने के बाद गोकू डंडे से कहता है, लेकिन डंडे पिकलो का ड्रैगन बॉल से क्या कनेक्शन है। डंडे गोकू से कहता है, गोकू तुम ही ने कहा था ना कि मुझे अर्थ का गार्डियन बन जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल को क्रिएट करने वाला अगर नहीं रहा या फिर वो मर गया, तो इसका मतलब ये होता है कि ड्रैगन बॉल भी खुद ब खुद इनएक्टिव हो जाते हैं। और गोकू तुम्हें पता है ड्रैगन बॉल को कामी ने अपनी शक्तियों से बनाया था, और तुम्हें तो पता है कि कामी पिकलो के साथ फ्यूज हो चुके थे, और यही वो वजह है कि पिकलो के मरने के बाद ड्रैगन बॉल भी इनएक्टिव हो चुके हैं। और फिर गोकू डंडे से कहता है, डंडे हमें कैसे भी करके पिकलो को वापस लाना होगा, क्योंकि अगर हमने जायकोर को संभाल भी लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और परेशानी नहीं आएगी। डंडे कहता है, मुझे सिर्फ हील करने आता है गोकू, मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता। गोकू डंडे से कहता है, डंडे क्या कोई और तरीका है जिसकी वजह से हम ड्रैगन बॉल को एक्टिव कर सके। और फिर गोकू के इतना पूछने के बाद हमें जायकोर और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वेजिटा और जायकोर के बीच में हुई फाइट की वजह से वेजिटा की हालत थोड़ी ठीक नहीं होती है, और जायकोर वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे नहीं पता कि तुम हर बार मेरे हमला करने के बाद भी जवाबी हमला देने की कोशिश कैसे कर सकते हो। और फिर जायको इतना कहने के बाद आगे कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा एक स्माइल के साथ बहुत ही अलग अंदाज में जायकोर से कहता है, अगर मेरे हर बार उठकर खड़े होने की कोशिश को तुम हिम्मत कहते हो, तो ये जान लो कि मुझसे भी ज्यादा हिम्मत रखने वाला सैयन बाकी है। और फिर वेजिटा की इस बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और विज बीरथ से कहता है, माय लॉर्ड आपने सुना, वेजिटा ने गोकू की तारीफ की है। बीरथ विज से कहता है, हाँ वेज मुझे पता है गोकू ऐसा ही है, वो अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है। और फिर वेजिटा जायकोर से जब इतना कहता है तो जायकोर वेजिटा से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब मेरे डैड यानी कि सन गोकू है ना। वेजिटा जायकोर से कहता है, हाँ वही बेवकूफ, और उसी बेवकूफ की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इतना कहने के बाद वेजिटा जायकोर से आगे कहता है, एक समय था कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोच रखता था, और मैं भी अपने से कमजोर लोगों को बेकार समझता था, और यहाँ तक कि मैं भी कैकरोट को मारना चाहता था, और यहाँ तक कि जो मेरे काम नहीं आता था मैं अपने खुद के लोगों को भी मार दिया करता था, लेकिन कैकरोट ने मेरे बुरे हाल पर भी मुझे नहीं मारा। और फिर इतना कहने के बाद वेजिटा आगे कहता है, मुझ जैसे सैयन को किसी की तारीफ करना शोभा नहीं देता, लेकिन कैकरोट जैसा सैयन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मेरे यहाँ तक पहुँचने के बाद भी मुझे पता है कि वो मुझसे एक कदम आज भी आगे है। और फिर वेजिटा के इतना कहने के बाद जायकोर वेजिटा से कहता है, मैं तुम्हारे इस बात की सफाई देते हुए कहता हूँ
कि सन गोकू तुमसे एक कदम आगे है, मुझसे नहीं। और वैसे बता दो कि तुम्हारी कहानी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मॉम की कही हुई बात को मैंने आज तक नहीं टाला, तो आज भी मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता, और मैं अपनी मॉम की कही हुई बात को पूरा करके रहूंगा। और फिर इतना कहने के बाद जाइकोर वेजिटा की तरफ अपना हमला करने के लिए चला जाता है, और फिर वेजिटा भी जाइकोर को अपनी तरफ आते देखकर अपनी ताकत को फिर से पावर अप करता है। और फिर वेजिटा पावर अप करके चिल्लाकर कहता है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मेरी ये नई ताकत मुझे हार ना मानने पर मजबूर करते रहेगी। और फिर हम देखते हैं कि जाइकोर और वेजिटा में फिर से फाइट शुरू हो जाती है, और हम ये देखते हैं कि वेजिटा अभी तक जाइकोर को अपना एक भी हिट नहीं दे पाया होता है, और हम ये देखते हैं कि जाइकोर वेजिटा पर अभी भी भारी पड़ ही रहा होता है कि तभी बीरस कहता है, काश ऐसा होता कि वेजिटा अपनी इस ताकत को मास्टर कर लेता, लेकिन मास्टर कर देना बात सिर्फ कहने में ही आसान लगती है, करने में नहीं। फिलहाल तो वो वेजिटा की किस्मत है, अगर वेजिटा ने इस ताकत को मास्टर कर लिया होता तो वेजिटा का ये दिन इतना बुरा भी नहीं जाता। और फिर विज बीरस से कहता है, आपके कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा है माय लॉर्ड, जैसे कि एग्जाम के एक दिन पहले की गई तैयारी। और फिर विस के इतना कहने के बाद हमें कामी के लुकआउट टावर को दिखाया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि डेंडे कुछ सोच रहा होता है, और तभी डेंडे को एक आइडिया आता है, और फिर डेंडे गोकू से कहता है, मुझे एक तरीका याद आ गया, ड्रैगन बॉल एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ पिकलो भी जिंदा हो जाएंगे। गोकू बस यहाँ पर 2 मिनट रुको, बस में आया, क्या पता वो शायद काम कर जाए। गोकू कहता है, क्या सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हम देखते हैं कि डेंडे एक ग्लास का बॉल लेकर आता है जिसमें ड्रैगन का स्टैचू बना होता है। डेंडे कहता है, तुम्हें पता है गोकू, मैंने इस चीज को अपग्रेड किया था जिसकी वजह से शेनरॉन एक विश की जगह पर 3 विशेष पूरी करने लगा था, लेकिन मुझे अब इस चीज को सिर्फ डीग्रेड करना है जिसकी वजह से शेनरॉन सिर्फ एक ही विश को पूरी कर पाएगा, लेकिन पिकलो भी जिंदा हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि डेंडे उस चीज को डीग्रेड कर देता है जिसकी वजह से पिकलो जिंदा हो जाता है, और गोहान भी ये महसूस करता है कि किसी तरह से तो पिकलो भी हमारे बीच वापस से आ गया है। और फिर पिकलो को जिंदा देखकर गोकू और डेंडे दोनों ही खुश हो जाते हैं, और डेंडे गोकू से आगे कहता है, अगर मैंने इस चीज को अपग्रेड नहीं किया होता तो आज मैं इसे डीग्रेड भी नहीं कर पाता, और ना ही पिकलो वापस जिंदा हो पाता, लेकिन अगर पिकलो को दोबारा कुछ हो गया तो मैं इस चीज का इस्तेमाल करके दोबारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर पिकलो गोकू से कहता है, गोकू, जाइकोर की ताकतें मुझसे कई गुना ज्यादा है, और इसीलिए मेरा वहाँ पर जाना बेफिजूल है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ जाना भी चाहूँ तो एक तरह से मुसीबत और बढ़ जाएगी। इतना कहने के बाद पिकलो आगे कहता है, और गोकू, मुझे ऐसा लगता है कि क्रेलेन, गोटेन, ट्रंक्स और बाकी सबको भी यहाँ पर आ जाना चाहिए, नहीं तो गोकू, जिस तरह से मैं एक परेशानी बन गया, बाकी सब भी परेशानी बन सकते हैं। गोकू कहता है, मैं समझ गया पिकलो, और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू पिकलो से इतना कहने के बाद डेंडे को शुक्रिया कहता है, और वापस से जाइकोर की तरफ गोकू निकल जाता है, और तभी हमें जाइकोर और वेजिटा का सीन फिर से दिखाया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि जाइकोर को वेजिटा से फाइट करते हुए गुस्सा आ जाता है, और जाइकोर वेजिटा से कहता है, बस बहुत हुआ, तुम हर बार मेरे हमला करने के बाद मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे इस बेफिजूल जवाबी हमले को बार बार देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है। और फिर जाइकोर के इतना कहने के बाद जाइकोर गुस्से में आकर वेजिटा पर एक बहुत ही जोर से लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा अपने दोनों हाथों को जाइकोर के उस लात की तरफ आगे करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जाइकोर के इस लात में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि जाइकोर की वजह से वेजिटा के दोनों हाथ टूट जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा को बहुत ही तेज दर्द होता है, जिसकी वजह से जमीन पर जाकर वेजिटा गिर जाता है, और फिर वेजिटा को इस तरह से देखकर वहां पर खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और जाइकोर हंसते हुए वेजिटा से कहता है, क्या हुआ वेजिटा, इस बार दोबारा जवाबी हमला देने का मन नहीं कर रहा, या फिर हिम्मत ही नहीं हो रही। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही धीमी आवाज में उठते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा के इतना कहने के बाद वेजिटा के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है, और वेजिटा के इस एनर्जी की वजह से बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं, आसपास बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन होने लगता है, और फिर वेजिटा गुस्से में आकर तुरंत ही अपने लात से जाइकोर को मारने के लिए चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा इतना ज्यादा तेज हो चुका होता है कि जाइकोर को कुछ भी समझ नहीं आता है,
और फिर वेजिटा का वो लात जायकोर के सीधा फेस पर पड़ता है, जिसकी वजह से जायकोर बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से कब का आ चुका होता है और जायकोर और वेजिटा की फाइट छुप कर देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा जायकोर को इतनी तेज लात मारने के बाद एक स्माइल देता है और मनी मन कहता है, आखिरकार मैंने इस जायकोर को नुकसान पहुंचा ही दिया। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा इतना मनी मन कह रहा होता है कि तभी वहां पर जायकोर उठकर सीधा वेजिटा के सामने आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा मन ही मन उस बात को कहने के बाद बेहोश हो चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को मारने के लिए जायकोर अपना एक हाथ आगे करके अपने उस हाथ में एनर्जी ब्लास्ट तैयार कर रहा होता है। और फिर जायकोर वेजिटा को मारने वाला ही होता है कि तभी वहां पर गोकू तुरंत ही ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर अपना कामेहामेहा सीधा जायकोर की तरफ कर देता है। और फिर जायकोर उस कामेहामेहा को देखकर तुरंत ही वेजिटा से दूर हो जाता है। और तभी वहां पर गोहान भी आकर वेजिटा को उठा लेता है और जायकोर से दूर कर देता है। और इसके बाद गोकू जायकोर से कहता है, बस बहुत हो गया जायकोर, अब तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। और इतना कहने के बाद गोकू गोटेन, ट्रंक्स, क्रिलेन, यामचा और टीएन से कहता है, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो, गोहान को छोड़कर बाकी सब यहाँ से चले जाओ। और तभी गोटेन गोकू से कहता है, पर डैड हम आपकी मदद करना चाहते थे। गोकू कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस मेरी बात को मान लो। और तभी टीएन गोकू से कहता है, हाँ गोकू तुमने सही कहा, वैसे भी हम यहाँ खड़े होकर तुम पर सिर्फ बोझ ही बन रहे हैं, मुझे यकीन है कि तुम इस बार भी हमें इस परेशानी से निकाल लोगे। और इतना कहने के बाद टीएन यामचा वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्रिलेन गोकू को सेंसो बीन्स देकर जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, मेरे दोस्त अपना ध्यान देना। और इतना कहने के बाद क्रिलेन गोटेन और ट्रंक्स वहां से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जायकोर और गोकू दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो गाइस प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए